स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बताएंगे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी सचिव अरेस्ट किया गया, ये बड़ी खबर है इस वक्त। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव को अरेस्ट कर लिया गया है, यूपी एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी की गई है पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। ये आरोप लगा है कि नौकरी का झांसा दिया करते थे निजी सचिव जी, और इसीलिए निजी सचिव पर यह कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल नौकरी दिलाने का झांसा दिया करते थे, इस तरह के आरोप, और इस आरोप के बाद ही यूपी एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव की गिरफ्तारी हो गई है और निजी सचिव पर आरोप ये लग रहे हैं कि ये नौकरी दिलाने का झांसा इनकी तरफ से दिया गया, ठगने का कार्य किया, और इसी को लेकर ये कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से की गई है। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ये देखिए गिरफ्तारी को लेकर जो इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेरोजगार युवकों से ठगी का ये पूरा मामला है, आरोप लग रहा है ठगी का, और इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। विशाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विशाल, स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव की गिरफ्तारी हुई है, ये पूरा मामला क्या सामने आ रहा है? क्योंकि खबर इस तरह की मिल रही है कि नौकरी के नाम पर ठगा गया है और ये आरोप लगे हैं निजी सचिव पर, इसीलिए कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लखनऊ के जो नेशनल कॉलेज है उसके पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हजरगंज इलाके से गिरफ्तारी हुई है और एसबीआई ब्रांच है उसके पास से इसकी गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि कई लोगों से इसने पैसे जो है वो लिए थे नौकरी दिलाने के नाम पर, और ये उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि श्रम विभाग उनके पास था तो उसके सचिव के तौर पर काम कर रहा था। इसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। आपको डिटेल बता देता हूँ मैं कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके निजी सचिव अरमान खान के साथ साथ असगर अली, मोहम्मद फैजी, विशाल गुप्ता, अमित राव, ये तमाम जो लोग हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ इनके पास से मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं, पैसे रिकवर हुए हैं, और ये जो कहा जा सकता है यूपी एसटीएफ ने जो है, हालांकि इससे बात करें 3 दिन पहले ही तमाम जो इसके स्वामी प्रसाद मौर्य करीबियों को उठाया था। हालांकि गिरफ्तारी जो है वो लखनऊ से जरूर दिखाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में चूंकि बेरोजगारों का मामला था, बेरोजगारों ने शिकायत की थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ जाँच कर रही थी और यूपी एसटीएफ ने अपनी जाँच के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अभी ऑफिशियल जो है यूपी एसटीएफ की तरफ से जो प्रेस नोट है वो जारी कर दिया गया है और इनकी गिरफ्तारी की जो पुष्टि है वो यूपी एसटीएफ की तरफ से। यानी विशाल, इस पूरे मामले में 5 से 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ ऐसे भी चेहरे अभी हो सकते हैं शायद जिनकी और गिरफ्तारी हो जाए मामले को लेकर जब पूछताछ इन तमाम लोगों से की जाएगी। नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे मामले में देखा जाए तो चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी के सचिव की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर सी बात है कि ये इसने डीलिंग कहाँ पर की थी, क्या मंत्री कार्य में थी, क्या मंत्री के संज्ञान में था, क्योंकि देखिए उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, तो ऐसे में इस जाँच की आँच स्वामी प्रसाद मौर्य तक पहुँचनी बिल्कुल तय मानी जा रही है। और यूपी एसटीएफ जो है अब आगे जाँच जब करेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखिए निजी सचिव जो है ऑफिस में बैठ कर ही ये पूरी डीलिंग करता था स्वामी प्रसाद मौर्य के, तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 5 लोग की गिरफ्तारी जो है वो यूपी एसटीएफ ने दिखाई है, और अब इस पूरे मामले में और भी जो जानकारी है वो यूपी एसटीएफ जो है इकट्ठा कर रही है, और ये माना जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मुश्किलें इस पूरे मामले के बाद बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई अभी इस मामले को लेकर हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि 5 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 7 फोन इनसे बरामद किए गए हैं, और कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल आगे अभी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछताछ हो इस मामले को लेकर।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि मामला बड़ा है और निजी सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछताछ आगे हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें कई तरह के एंगल्स हैं और इसी के आधार पर ये कह सकता है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो निजी सचिव के साथ साथ 5 लोग को जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे UPSTF जाँच करेगी, वैसे वैसे ये माना जा रहा है कि अभी और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सरकारी नौकरी देने का जो आश्वासन था, जो तमाम पैसे लिए गए थे, इन सबके प्रूफ जो है वो UPSTF के हाथ में लगे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। विशाल, खबर ये भी मिल रही है कि 57 ऐसे हस्ताक्षर किए गए चेक हैं जो इनके पास से बरामद किए हैं UPSTF ने। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर UPSTF ने जो है वो कई सारे जो है बरामद किए हैं, और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिग्नेचर वाले भी कई लेटर हेड्स हैं वो भी बरामद किए गए। अब ऐसे में ये सिग्नेचर स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं या निजी सचिव ने खुद से किए थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी UPSTF पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा मामला है, और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में UPSTF लगातार जाँच कर रही थी, और UPSTF ने अभी 3 दिन पहले ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी, अरमान खान को हिरासत में लिया था। हालांकि गिरफ्तारी जो है जरूर लखनऊ से दिखाई गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अभी जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर ये मामला बहुत संगीन है, और आने वाले दिनों में इस पूरे जो सिंडिकेट है उसके बारे में UPSTF पता लगाने की कोशिश कर रही है। विशाल, ये जो कार्रवाई की गई है, क्या ये शक के आधार पर कार्रवाई की गई है या पहले किसी की तरफ से शिकायत की गई? जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो तमाम ये पहलू, तमाम ये लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी अब गिरफ्तारी हुई है। विशाल, देखिए इस पूरे मामले की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो पहले जो है शिकायत बेरोजगारों की तरफ से किया गया था कि उनसे जो है पैसा लिया गया है नियुक्ति के नाम पर और उनसे फ्रॉड किया गया है, ये शिकायत पुलिस के पास गई थी। और चूंकि मामला बड़ा था, एक स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि उनके निजी सचिव का नाम सामने आया था, तो ऐसे में ये जाँच UPSTF कर रही थी, और UPSTF ने फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच बहुत गुपचुप तरीके से करते हुए इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारियाँ जो हैं वो की हैं। अभी और क्या तथ्य सामने आएंगे, क्या कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है UPSTF के हाथ में लगेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी जो है निजी सचिव की हुई है, इसके साथ साथ 4 और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, तो कुल 5 गिरफ्तारियां जो है वो UPSTF ने की है। विशाल, ये सभी गिरफ्तारियां लखनऊ से ही हुई हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये लखनऊ से ही गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ के SBI जो मेन ब्रांच है उसके चौराहे के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। KD सिंह बाबू की स्टेडियम का लगता है हजरगंज थाना इलाका आता है, और यहीं से गिरफ्तारी जो है वो UPSTF ने दिखाई है।